वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो दोस्तों, आज की जो रेमेडी है ना, वो स्किन ग्लोइंग के, आप चाहे फेयर हो या फिर डस्टी स्किन के क्यों ना हो, आपके चेहरे पे ग्लो रहना चाहिए। और ये ग्लो आता है हमारे स्किन में जो ऑयल होता है उसकी वजह से। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, चलिए ठीक है, समर के सीजन में तो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है, इस वजह से उनकी स्किन थोड़ी और ज्यादा ऑयली हो जाती है। लेकिन जब विंटर आता है ना, तो सबसे अच्छी स्किन ऑयली स्किन हो जाती है, बिना कुछ लगाए ही उनका चेहरा ग्लो करने लगता है। तो आज की ये जो रेमेडी है, खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए ही है कि उनका चेहरा जो ग्लो नहीं रहता है उनके स्किन पे, उसके लिए भी है। ऑयली स्किन वाले भी चाहे तो इसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए चेहरे पे ग्लो लाने के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ ऑयली स्किन वाले कैसे लगाएंगे। ये एलोवेरा जेल है, ठीक है, इसमें बिना कुछ मिलाए ऑयली स्किन वालों को लगाना है। और जो ड्राई स्किन वाले हैं मेरे जैसे, उनको ये करना, ठीक है। ये दोनों चीज आपकी स्किन पे इतना ग्लो ले आएगा, और आपको मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत हो तो आप डेली लगा लो या फिर वीक में 3 बार लगा लो। ये 2 प्रोडक्ट आप लगा लो, आपकी स्किन में इतना ग्लो आएगा ना कि आपको यकीन नहीं आएगा। स्किन इतनी शाइन करेगी कि कहीं जाने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम चेहरे पे क्या लगाएं। तो चलिए मैं बाल बांध लेना, बाल बांधना बहुत जरूरी हो गया, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, फैन ऑन की नहीं हूं मैं। तो सबसे पहले स्किन को आपको क्लीन कर लेना है। मेरी स्किन क्लीन है और मेरे यहाँ जो है ना एकदम ड्राई हो गया, मैंने मेकअप वीडियो ज्यादा किए है ना, तो इस वजह से फेस ड्राई हो जाता है कि मैं थोड़ी लापरवाह हूँ और मैं को मेकअप करने के बाद अपना फेस क्लीन नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं करती हूँ, कर लेती तो ये सब नहीं हुआ होता। चलिए तो आप, मैं हाथ पे ही लेके दिखा देती हूँ आपको। आपको ये एलोवेरा जेल लेना है, आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल हो आप ले सकते हैं, इस तरह आपको एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद आपके पास अगर कोई फेशियल ऑयल है तो आप ले सकते हो, आप अगर बेबी ऑयल आपके पास है तो ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल, बिल्कुल जरा सा आपको लेना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी स्किन में आएगी शाइन। और इन दोनों को आपस में मिक्स करना है और अपने फेस पे एलोवेरा हमारे स्किन में जो पिंपल होते हैं, रिंकल होते हैं, उसको रिमूव करता है, हमारे डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, नेचुरल तरीके से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। एलोवेरा हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, साथ ही साथ इसमें जो नारियल तेल डाला है वो भी काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। दोस्तों ये रेमेडी सभी प्रकार की स्किन वाले लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पड़ने वाली किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो तो इसका यूज बिल्कुल ना करिएगा। ये हमारी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट करेगा। नारियल तेल में फैटी एसिड होता है जो स्किन को हाइड्रेट करके सुरक्षित रखता है। इसमें विटामिन एफ, लिनोलेइक एसिड और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे चेहरे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे स्किन के लिए एक अच्छे सीरम का भी काम करता है, आप इसको डे में भी लगा सकते हो, नाइट में भी लगा सकते हो। अगर आपको पास दिन में टाइम नहीं है तो आप इसको नाइट में लगाओ, नाइट में ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसे ओवरनाइट वर्क करने को मिल जाएगा और आपकी स्किन शाइन, ब्राइट, वाइट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दाग धब्बे नहीं होंगे, कोई झाइयाँ झुरियाँ नहीं होंगी, और बढ़ती उम्र जो आपके चेहरे पर दिखने लगती है ना वो भी नहीं दिखेगी। तो लगभग दोस्तों 5 मिनट तक के इसे आपको मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद आपको या तो पानी लेना है या फिर गुलाब जल लेना है। तो मैंने इस बॉटल में गुलाब जल भर के रखा है और इसको अपने फेस पे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, वो अच्छे से ड्राई कर लिया है, बस आपको यही करना है। आप चाहो तो ये डेली कर सकते हो, वीक में आप 3 बार भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए तो आप इसको जरूर करिए, क्योंकि ये हमारी स्किन पे नेचुरल तरीके से ग्लो ले आता है, हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है। और जब हम लास्ट में गुलाब जल या पानी से स्प्रे करके उसको ड्राई करते हैं ना, तो जो हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो निकल जाता है और बाकी जितनी ज़रूरत होती है हमारे स्किन को उतना रहता है। और फिर देख लीजिए स्किन कितनी शाइन करने लगती है। काफ़ी ईजी सा, सिंपल सा तरीका है जो मैं यूज करती हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। और बरसात के सीजन में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ये देखिए किसको किसके होते हैं बताइएगा, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी इजी सा तरीका है, आपकी स्किन ड्राई रहती है, डलनेस रहती है, आपकी स्किन में ग्लो नहीं रहता, तो इसको ट्राई करके देखिएगा,
कोई और किसी और प्रकार की अगर आपको रेमेडी चाहिए होगी ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।